का एक डायलॉग भी है मुश्किल नहीं पहाड़ दे पछाड़ तो पॉजिटिवली बस आप उसको भगवान पे हाँ अगर तो मेरे सामने एक लड़का खड़ा है एक लड़की खड़ी है तो मैं डेफिनेटली प्रायोरिटी ज़्यादा लड़की को ही देती हूँ बिकॉज जो मेरी प्रॉब्लम्स आई थिंक वो एक लड़के से ज्यादा एक लड़की समझ पाएगी हाई एवरी वन आई एम निकिता नेगी एंड टुडे ज्वाइनिंग मी इन कॉन्वर्जेशन योर फेवरेट श्रुति चौधरी ए के ए बुलबुल ऑफ मेरा बालम थाने दार एंड शी इज़ ज्वाइनिंग मी इन कॉन्वर्जेसन विद टेली रिपोर्टर सबसे पहले तो वेलकम टू टेली रिपोर्टर थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर हैविंग मी सबसे पहले तो आप इतना इंस्परेशनल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बुलबुल नटखट है बुलबुल लेकिन फिर भी अपना स्टैंड लेती है उस बारे में आपको क्या कहना है तो बुलबुल जो है वो नटखट है बच्ची है बेसिकली जो एक पंद्रह साल की जो लड़कियाँ जैसी होती है वैसी है वो और नादानी में ही वो कुछ ऐसी चीज़ें कर जाती है जो शायद आप बहुत दिमाग लगाने पे भी नहीं कर पाते हो वो बहुत नादानी उसे भी पता नहीं होता अच्छा मेरे से ये हो गया मैंने ये कर दिया उसे रियलाइज़ नहीं होता कि ओ मैं वो काफ़ी चीज़ों को हर सिचुएशन को बहुत पॉजिटिवली हैंडल करती है कभी भी ऐसे नहीं हो जाता उसे क्योंकि ये एक इंस्परेशन आई थिंक हर लड़की को बुलबुल से लेना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो आपको नेगेटिव नहीं होना क्योंकि मैं खुद भी श्रुति जो है वो भी कई बार ऐसा होता है कि कोई भी सिचुएशन में बहुत पैनिक कर जाती है और मुझे लगता है पैनिक करने से सिर्फ सिचुएशन बेकार होती है और वर्स्ट होती है बट बुलबुल -बुल उसे पॉजिटिवली किस तरीके से हैंडल करती है वो भी मैंने काफ़ी हद तक सीखा है उस कैरेक्टर से अब बात करें श्रुति की तो ऑब्वियसली बात है गेटिंग इनटू दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट एन इजी टास्क ऑब्वियसली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़े होंगे तो क्या वो अप्स एंड डाउन्स है जो आपको फेस करने पड़े यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना ईजी नहीं होता है और क्या मैसेज आप देना चाहेंगी उन लड़कियों को हु आर ट्राइंग बट गेटिंग लॉट ऑफ डाउन्स इन दर्नी आई थिंक फर्स्टली कभी भी ऐसा uh, एस, नहीं है कि मुझे बहुत ईजीली मिल गया मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इस चीज़ के पीछे और मुझे लगता है अगर अप्स एंड डाउनस की बात करें तो वो आपकी लाइफ में हमेशा आते हैं अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं हो तो लड़कियों के लाइफ में और भी काफ़ी अप्स एंड डाउनस होते हैं सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती आई फील बट उसे किस तरीके से वो टैकल करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है एंड सबसे पहले तो मैं ग्रेटफुल हूँ भगवान से कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ एंड आई स्टार्टेड लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था जब किसी को आई थिंक कोई गुंजाइश नहीं थी कि कुछ स्टार्टअप हो सकता है लेकिन मेरे लिए वही स्टार्टअप मेरे लिए वही एक लकी प्लस पॉइंट बन गया कि उसी टाइम पर मैंने अपनी इस uh, जर्नी स्टार्ट की एंड ऐसा नहीं है मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किए बिकॉज वैसे तो टचवोड मेरे पास अपनी खुद की वहीकल है मैं कार से आती जाती हूँ लेकिन फिर भी कई बार होता था कि मेरे पापा की कार फ्री नहीं होती थी तो वो रिक्शे से जाना फिर सुबह ऑडिशन देने जाना दोपहर में कोई भी टाइमिंग नहीं होती थी जब वो कहते थे आपको ऑडिशन बनाना पड़ता है एंड मैं वो लड़कियों के लिए जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि दोज हु आर ट्राइंग आई एम स्टिल ट्राइंग क्योंकि अभी भी मैं अच्छा कर रही हूँ लेकिन मैं और अच्छा करने करना चाहती हूँ आई थिंक ट्राई करने की कोई लिमिट नहीं होती आप ट्राई करते रहते हो करते रहते हो तो मैं उन लड़कियों को यही कहना चाहूँगी ट्राई करते रहो अपनी मेहनत करो बाकी सब भगवान पे छोड़ दो क्योंकि ऐसा नहीं है हर कोई अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर ही रहा होता है कहीं ना कहीं लेकिन उसे पॉजिटिवली आप कैसे हैंडल कर सकते हो जैसे मेरी लाइफ में एक जन को रखो अपनी लाइफ में जैसे मैं मेरी मॉम से बहुत क्लोज हूँ मैं मेरी मॉम और जो मेरी एल्डर एल्डर्स हैं उनसे बहुत क्लोज़ हूँ तो मेरी लाइफ में कुछ भी होता है तो मैं उन्हें बताती हूँ और मैं अपने आस से भी लोगों से सुन सुनने की कोशिश करती हूँ कि मैं इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर सकती हूँ मैं मम्मा को भी पूछती हूँ कि इस सिचुएशन में अगर आप होते तो आप कैसे रिएक्शन देते तो वो फिर मुझे जैसे बताती हैं तो मैं उस हिसाब से उसे प्रोसेस उसे अच्छे से खुद भी करने की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए एंड आई थिंक आप कोशिश करते रहो और बुलबुल बुल का एक डायलॉग भी है मुश्किल नहीं पहाड़ दे पछाड़ तो पॉजिटिवली बस आप उसको भगवान पे हाँ वन पे छोड़ दो लास्टली तो अच्छा होगा सेकेंड uh, चीज़ जानना चाहेंगे लाइक वेमेन स्टैंडिंग फॉर वेमेन आपने कहा आप अपनी मम्मी की हेल्प लेती हैं सिस्टर की हेल्प लेती हैं इवन आजकल हम बहुत सारा लोगों से सुनते हैं कि नहीं मेरी लड़कियों से तो नहीं जमती है लाइक आई एम वेरी कूल विद बॉयज़ तो आपका लाइक like, क्या है कि आप वुमेन के साथ कंफर्टेबल हो या गर्ल्स फ्रेंडशिप मैटर्स टू यू मोस्ट और लाइक like, बॉयज के साथ आप मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बॉयज़ के साथ फ्रेंडली नहीं हूँ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ लड़कों से भी मैं काफ़ी घुलती मिलती हूँ लड़कों से लेकिन हाँ अगर फ़ीमेल फ्रेंडशिप की बात की जाए तो मेरी ऑलमोस्ट फ्रेंड्स फीमेल ही है एंड आई थिंक जो लोग ये बात कई बार मैंने आजकल की जनरेशन को देखा लड़कियों के लिए काफ़ी कूल होता है ये बोला कि ओ आई हैव दिस बॉय गैंग लड़के मेरे दोस्त हैं बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने हमेशा लड़कियों और मैंने देखा है एक्चुअली कि जिन लड़कियों से मैं मिली हूँ आज तक मैंने उन्हें हमेशा अपनी एक पॉजिटिव दी है अगर मेरे सामने एक लड़का खड़ा है एक लड़की खड़ी है तो मैं डेफिनेटली प्रायोरिटी ज्यादा लड़की को ही देती हूँ बिकॉज जो मेरी प्रॉब्लम आई थिंक वो एक लड़के से ज़्यादा एक लड़की समझ पाएगी क्योंकि मेरी मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं लड़कियाँ वो कई बार मेरे उस सिचुएशन में साथ देती है जो आई थिंक लड़के नहीं कर सकते वो चीज़ तो ये कूल cool नहीं है कि आपके लड़के बहुत ज़्यादा दोस्त दोस्ती रखो इट्स गुड बट आई हैव सीन कि वो दोस्ती को बहुत ज़्यादा बढ़ा के लड़कों के साथ आई डोंट आई डोंट रियली थिंक इट्स सम काइंड ऑफ पॉइंट लड़कियाँ भी बहुत अच्छी अगर आप खुद नॉन टॉक्सिक हो तो मुझे लगता है लड़कियाँ भी नॉन टॉक्सिक होती हैं क्योंकि मेरे सेट पर काफ़ी लड़कियाँ हैं जो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स से। है सेट पर ही नहीं आ, मेरे जो बिल्डिंग है मेरी जो सोसाइटी है वहाँ मैं लड़कियों से बहुत फ्रेंडली हूँ तो ये कोई आई थिंक चीज़ नहीं है कि मेरे लिए कि लड़के लड़के ही फ्रेंड फ्रेंडशिप मेरी बहुत है ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शायद हूँ मैं लड़कों से बात नहीं करती मैं लड़कों से भी फ्रेंड लेकिन हाँ मेरी फ्रेंडशिप है लड़कों से भी और लड़की दोनों को इक्वल तो so, जानना चाहेंगी आप फाइनेंशियली डिपेंडेंस मतलब बोलते हैं लड़की पहले जो है अपने फादर के उसमें रहती है देन फिर शादी हो जाती है बट आज के टाइम पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आप क्या उन लड़कियों को मैसेज देना चाहेंगी जो ट्राई करना चाहती हैं बट देयर पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग देम आई फील हर मेरे टचवुड मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं है कि मुझे वो नहीं सपोर्ट करते मुझे हमेशा अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे लगता है पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी काम करना एंड मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी प्लीज़ आप एक बार उन्हें ट्राई करने का मौका दीजिए अगर वो उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिलती तो आप चलिए एक बार उस चीज़ पर सोच सकते हैं बट एक बार तो ट्राई करने दीजिए अपनी अपने बच्चों को उन्हें भी मौका दीजिए कि वो भी इंडिपेंडेंट बने एंड आई फील कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सबके लिए ज़रूरी है नॉट ओनली फीमेल्स फीमेल्स मेल्स सबके लिए ताकि कल को आपको किसी के भी सामने जाके रोना ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए आप अपने खुद के उस पर अभी तो आई एम जस्ट फिफ्टीन तो मैं इतनी कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ yeah. मेरा खुद का ऐसा कुछ नहीं है सब पेरेंट्स पे ही अभी तक मैं डिपेंडेंट हूँ लेकिन हाँ आफ्टर एटीन डेफिनेटली मैं हर जगह से ट्राई करूँगी कि मैं खुद इंडिपेंडेंट बनूँ लास्टली so, जानना चाहेंगे कि आप अपने फैंस को मैसेज क्या देना चाहेंगे वीमेंस डे पर और क्या विशेष हैं आपके पास उनके लिए सबसे पहले तो हैप्पी वेमेंस डे टू एवरीवन एंड या जस्ट आप रिस्पेक्ट दें अपने घर की महिलाओं को नॉट ओनली वीमेंस डे पे हर दिन और खूब सारा उन्हें प्यार दीजिए उन्हें समझने की कोशिश कीजिए एंड येस हैप्पी वेमेंस डे टू एवरी आई जस्ट लव ऑल